आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या नहीं हैं? कितने हैं हेल्थ कॉन्शियस? क्योंकि सभी लोग पैसा है, पैसा पैसा हाय पैसे में लगे हुए हैं। और लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप पैसा कमा सकेंगी, कुछ भी अच्छा काम कर सकेंगी, जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकेंगी। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो आपका कमाया हुआ पैसा भी धरा रह जाना है। और ख़ास करके किडनियों के बारे में चिंता करने की बात है। कितनी बार आप चिंता करते हैं आपकी किडनियों की? पानी कम पीते हैं, बीपी, डायबिटीज़ कुछ भी है तो उसकी गोलियाँ ले ले करके और उनको कंट्रोल कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। ये जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं थायराइड की, बीपी की, डायबिटीज़ की, तो ये जो स्टेराइड ले रहे हैं, ये जो पेन किलर्स ले रहे हैं, इनके परिणाम क्या होंगे? क्योंकि किडनी की समस्याओं और बीमारियों का जोखिम जो है बड़ा खतरनाक है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इनसे किडनियों का खतरा बढ़ सकता है। किडनियाँ मानव शरीर की योद्धा हैं। वे शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने में बड़ी भूमिका निभाती है। वे हमारे खून में पानी, लवण और खनिजों का एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यदि किडनियाँ आपकी स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारे काम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगे, तो आपकी स्थिति जो है बड़ी नाजुक हो जाएगी और किडनियाँ फेल हो गई तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। अनहेल्दी खाने से भी किडनियों के स्वास्थ्य और कामकाज में बाधा पैदा हो सकती है। हम कुछ बातें यहाँ पर बता रहे हैं, 10 बातें जो आपको ध्यान रखनी है यदि आप किडनियों को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 1, सबसे पहला है, यदि आप लगातार डायबिटीज़, बीपी और एसिडिटी की गोलियाँ खाते हैं और इन बीमारियों को जड़मूल से खत्म करने का कोई प्राकृतिक उपाय नहीं करते, तो जीवन में एक दिन अवश्य आ सकता है जब आपकी किडनियां फेल हो सकती है। इस पर अनेकों स्टडीज हो चुकी। बिना पर्ची के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं, पेन किलर्स, आपके दर्द को कम कर सकती हैं, लेकिन वे किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खास करके अगर आपको पहले से ही किडनी की बीमारी है तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर मेडिसिंस दैट आर वाइडली यूज टू रिलीव पेन, रिड्यूस इंफ्लेमेशन एंड ब्रिंग डाउन ए हाई टेम्परेचर। इनके अपने नियमित उपयोग को कम करें और कभी भी अनुशंसित खुराक से अधिक ना लें। जितना प्रिस्क्राइब किया जाए उससे ज़्यादा ना लें। पहली बात तो ये लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यदि सारा का सारा खान पान अपना दुरुस्त कर लेते हैं और डायबिटीज़ को, थायराइड को, बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल खाली गोलियों से नहीं, इनको रिवर्स करना है। उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत सारे उपाय बताए हैं और भी हम बताएंगे, ठीक है। तो उनको यदि आप रिवर्स कर लेते हैं तो आपको स्टेराइड का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, इन दवाओं का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये 100% क्योरेबल है। मैं बार बार ये बात चुनौतीपूर्वक कह रहा हूँ कि डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, ये 100% क्योरेबल है। 5-6 पत्तियों का, 7 पत्तियों का जूस सवेरे सवेरे खाली पेट पी लीजिए, आपका डायबिटीज़ वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा। जौ का पानी, रात को 3 चम्मच जौ एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सवेरे, अभी सर्दी का टाइम है और चूंकि जौ का पानी जो है वो ठंडक करेगा, तो इसलिए सर्दी में हल्का सा नवाया करके और उसको पी लीजिए। जौ का पानी 3 चम्मच रात को भिगो दीजिए एक गिलास में, सवेरे उसको हल्का सा नवाया करके, मसल करके, छान करके वो पानी पी लीजिए। इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा, किडनियाँ स्वस्थ हो जाएगी। इसके अलावा अभी बथुआ आने वाला है,
मेरे ख्याल से कई जगह आ गया होगा, बथुआ यानी चील की भाजी, तो आप उसका पानी भी पी सकते हैं। बथुए की भाजी का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली का आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किडनियों के लिए वरदान है। मूली, मूली के पत्ते, बथुआ और कुलद, कुल्थी जिसको बोलते हैं, कुल्थी की दाल वो, और ये जौ का पानी, ये किडनियों के लिए वरदान है, वरदान। आपको किडनी की कोई भी समस्या हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे कुछ भी हो, ये 10% भी किडनियां काम कर रही होगी तो ये सब चीजों का सेवन करने से आपकी किडनियां 100% काम करने लग जाएगी, ये मेरा दावा है। तो आप इनको खत्म करिए। बीपी, डायबिटीज, यदि आप 5-6 पत्तियों का जूस सवेरे सवेरे बना करके पी लेते हैं, जिसमें हार श्रृंगार के पत्ते, 2 पत्तियां हार श्रृंगार की, 2 पत्तियां गिलोय की, 2 पत्तियां बिलपत्र की, 5 पत्तियां शीशम के पेड़ की, यदि शीशम का पेड़ नहीं हो तो 2 पत्तियां अमरूद की, 2 पत्तियां आम की, 5 पत्तियां आपकी तुलसी पत्र और 10 पत्तियां आपकी कड़ी पत्ते, इनको सब मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस करके और 250 ग्राम पानी मिलाना है और छान करके और शिप शिप करके पीना है। छानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मिक्सर में पीस लीजिए बारीक और शिप शिप करके पीजिए उसको, एक एक घुटक करके, ठीक है। ना उसको गर्म करना है, ना छानना है, कुछ भी नहीं करना है, गले में अटके नहीं, इसलिए आप बारीक पीसिए उसको। फिर देखिए कमाल, आपका यदि 1 महीने में डायबिटीज वगैरह सारा जड़मूल से खत्म नहीं हो जाए तो आप कहिएगा। 1 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करिए, फिर नेक्स्ट मंथ में अल्टरनेट डे, 3रे महीने में 2 दिन छोड़ करके 1 दिन, और 4थे महीने से सप्ताह में एक बार आप पीजिए। यह आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, इससे आपको डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी, थायराइड भी खत्म हो जाएगा, बीपी खत्म हो जाएगा, प्लस बॉडी पेन यदि आपको होता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको पेन किलर्स लेने की या ये दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थायराइड की गोली में सुअर की चर्बी होती है, सवेरे सवेरे भगवान का नाम लें या सुअर की चर्बी खाएं खाली पेट, ये देखिए, सोचिए इसको, और ये पत्तियों का सेवन कर लीजिए तो आपका सारा दुख दर्द भी मिट जाएगा, आपको थायराइड की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह से नमक शक्कर का जो है दुरुपयोग जो है उसको रोकिए। नमक में हाई डाइट्री सोडियम होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और बदले में आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। नमक के बजाय जड़ी बूटियों और मसाले के साथ अपने भोजन का स्वाद लें। समय के साथ आपको अपने भोजन में अतिरिक्त नमक का उपयोग करने से बचना आसान हो सकता है यदि आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे तो। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम और फास्फोरस के ज़रूरी स्रोत हैं। किडनी की बीमारी वाले बहुत से लोगों को अपने आहार में फास्फोरस को सीमित करने की ज़रूरत होती है। कुछ स्टडीज़ में पता चला है कि बिना किडनी की बीमारी वाले लोगों में भी प्रोसेस्ड फूड से भरपूर फास्फोरस का सेवन उनकी किडनियों और हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कृपया करके प्रोसेस्ड फूड से बचें। हर हालत में प्रोसेस्ड फूड से बचें। सर्दी शुरू हो गई है हमारे यहाँ तो इस कारण से उसका असर कुछ हो गया है। पर्याप्त पानी, कई लोग जो है पानी चोर, मैं कहता हूँ पानी चोर, पानी पीने के चोर होते हैं, कम से कम पानी पीते हैं ताकि उनको वॉशरूम नहीं जाना पड़े। अरे भाई आप खा क्या रहे हो, जहर ही जहर खा रहे हो, टॉक्सिन्स दूर कैसे होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर जो सब कुछ आपके पेट में जा रहा है, वो कैसे ठीक होगा यदि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिएंगे। एक स्वस्थ इंसान जो मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहता है उसको अपने वजन के हिसाब से पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। उसके लिए हमने कई बार बोला है पानी हमेशा चबा करके पिए, नंबर 1। नंबर 2, पानी आपका वजन यदि 70 किलो है तो आपको 5 लीटर लिक्विड इंटेक, है ना, केवल पानी नहीं, आप नारियल पानी भी पीते हैं या चाय दूध भी पीते हैं तो वो सब काउंटेड है, तो लिक्विड इंटेक आपका 5 लीटर होना चाहिए 24 घंटे में।
समय ऐसे ही है, सबसे मोटी बात है समय ऐसे ही, आपका खान पान ऐसा ही है। आप पुराने फॉर्मूले और सूत्र भूल जाइए, आज का जो समय है, आज का जो खान पान है, जिस तरह का फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर, हर चीज में सारा गड़बड़ है, मिलावट है। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो विषाक्त पदार्थ जा रहे हैं, वो यदि आप पानी कम पिएंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे, और धीरे धीरे उसका किडनियों पर असर होगा। इसलिए अच्छी तरह से हाइड्रेट रहने से आपकी किडनी शरीर से सोडियम और विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करते हैं। बहुत सारा पानी पीना भी दर्दनाक किडनी स्टोन से बचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यदि आप अंदर किडनी स्टोन हो गया तो उसका जो दर्द होता है ना, उससे ज्यादा बेहतर तो है कि आप ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये जो सारे टॉक्सिन्स जाते हैं पेट में, फिर अल्टीमेटली किडनियां खराब होती है। तो इसलिए इन चीजों को समझिए, किडनी की समस्या या किडनी की विफलता वाले लोगों को अपने तरल पदार्थों का सेवन सीमित करने की जरूरत होती है। लेकिन वो परिस्थिति न आए, किडनियां खराब ना हो, इसलिए पहले पानी पूरा पी लीजिए। नहीं तो किडनियां खराब होने के बाद में डॉक्टर कहेंगे कि अब पानी आप कम पीना। इसी तरह से अच्छी नींद लेना, एक अच्छी रात का आराम आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और यह आपकी किडनी के लिए भी जरूरी है। किडनी के कार्य को नींद जागने के चक्र में द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि किडनी के कार्यभार को 24 घंटों में कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इसलिए साउंड स्लीप सोएं, अच्छी नींद सोएं। अच्छी नींद के लिए भी बिना गोली के, बिना नींद की गोली खाए अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है, साउंड स्लीप कैसे हो सकती है, उसके लिए हमारा पूरा वीडियो है, आप देखिए। और अच्छी नींद सोइए, साउंड स्लीप सोइए। इसी तरह से पशु प्रोटीन खून में एसिड उत्पन्न करता है, जो कि किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है और एसिडोसिस का कारण बन सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें किडनी एसिड को तेजी से समाप्त नहीं कर सकती, शरीर के सभी अंगों के विकास, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन आपकी डाइट फलों और सब्जियों से संतुलित होनी चाहिए। इसलिए मांसाहार बंद करिए। मांसाहार यदि आप करेंगे और प्रोसेस्ड मीट आप खाएंगे तो आपकी किडनियां जल्दी जवाब दे देगी, डायबिटीज भी होगी, बीपी भी होगी और आपकी किडनियां भी जाएगी, और हो सकता है इसके कारण आपके शरीर में कैंसर भी डेवलप हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत अधिक शुगर वाले फूड्स खाना, वो भी आपको सही नहीं है। शुगर मोटापे में योगदान करती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के आपके जोखिम को बढ़ाती है। किडनी की बीमारी के दो प्रमुख कारण हैं, डेजर्ट के अलावा शुगर को अक्सर उन फूड्स और ड्रिंक्स में मिलाया जाता है जिन्हें आप मीठा नहीं मान सकते। नाश्ते में वाइट ब्रेड से बचें, जो प्रोसेस्ड शुगर के सभी गुप्त स्रोत हैं। इसलिए ये ब्रेड वरेड खाना बंद करिए, पाव भाजी खाना बंद करिए, ये बहुत आपकी जो है शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। धूम्रपान आपके फेफड़ों या आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूम्रपान आपकी किडनी के लिए भी अच्छा नहीं है? जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके मूत्र में प्रोटीन होने की संभावना अधिक होती है, जो किडनी के क्षति होने का संकेत है। इसी तरह से शराब, नियमित रूप से अधिक शराब पीना, दिन में 4 से अधिक पेय क्रॉनिक किडनी रोग के जोखिम को दोगुना करने के लिए पाया गया है। अधिक शराब पीने वाले को धूम्रपान भी करते हैं और उनमें किडनी की समस्याओं का खतरा भी अधिक होता है। जो शराब पीते हैं, धूम्रपान भी करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनकी भी किडनियां जवाब देने वाली है। आप आगे पीछे कभी भी 2 दिन लेट से ही आपका स्टेमिना मजबूत होगा तो हो सकता है कि 2 साल निकल जाए, 4 साल निकल जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी किडनियों को खराब होना ही है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सेवन बंद करें। लंबे समय तक सिटिंग, वो भी आपकी किडनियों पर प्रेशर डालती है।
लंबे समय तक सिटिंग से बचें, कंटिन्यूस सिटिंग से बचें, बीच बीच में उठते रहें। आज समय ऐसा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह सारी इस तरह की आ गई है कि व्यक्ति लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठा बैठा काम करता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके किडनियों पर प्रेशर आता है। तो इसलिए बीच बीच में हर घंटा आध घंटे में 10 मिनट के लिए उठ जाइए, उठ करके एक चक्कर लगा लीजिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको रिलैक्स हो जाएगा और आपकी किडनियाँ खराब होने से बच जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो 10 बातें हमने बताई है इनका पूरी तरह से ख्याल रखें ताकि आपकी किडनियाँ फेल होने से बचें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।